दिस इज एंकर आरजू, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और आज के टॉपिक में मैं आपके लिए लेके आई हूँ विंटर केयर टिप्स, यानी कि अब जो सर्दी आ रही है उसमें आप किस तरीके से अपने हेयर, अपने स्किन और अपने सभी बॉडी पार्ट्स को किस तरीके से केयर कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको मॉइस्चराइज कर सकते हैं। टिप नंबर वन, सर्दियों में आपको हमेशा गर्म पानी यानी कि लुक वार्म वाटर, जिसे हम कहते हैं लुक वार्म वाटर, उसी पानी से नहाना चाहिए। ज़्यादा गर्म पानी से नहाना नहीं चाहिए, जिससे कि आपकी जो बॉडी का ऑयल लेवल होता है वो सभी छीन लेता है। ज़्यादा गर्म पानी के साथ नहाना नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं उन खतरों के खिलाड़ियों से बात कर रही हूँ जो सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाते हैं। प्लीज़ अवॉइड डूइंग दैट। कभी भी सर्दियों में ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। इट्स बेटरली सेड, प्लीज़ टेक अ बाथ विद अ लुक वार्म वाटर। टिप नंबर टू, विंटर में नहाने के बाद सबसे पहले अप्लाई कीजिए मॉइस्चराइजर। काफ़ी लोग हैं जो क्या करते हैं कि नहाने के बाद अपने काम पे लग जाते हैं, फिर जब फ्री होते तभी मॉइस्चराइजर लगाते हैं। ये ठीक बात नहीं है। आपको सबसे पहले अपनी स्किन पे, अपने हाथों पे, अपने पैरों पे, अपनी बॉडी पे, अपनी स्किन पे पहले मॉइस्चराइजर लगाना है। अच्छे से अपने बॉडी पे मॉइस्चराइजर लगाइए, फिर अपने काम कीजिए। टिप नंबर थ्री, अब मॉइस्चराइजर कौन सा लगाए? सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर को चूज़ कीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ऑयली स्किन के लिए वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर चूज़ कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ दिखा रही हूँ। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप अपनी स्किन के लिए ऑयली बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कीजिए। अपने नॉर्मल बॉडी यानी कि हाथों पे और पैरों पे अप्लाई कीजिए नॉर्मली ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम। हमेशा याद रखिए कि आपके हाथों की और आपके फेस का जो मॉइस्चराइजर है वो डिफरेंट रखिए, क्योंकि फेस इज़ ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम योर हैंड। सो ऑलवेज कीप टू डिफरेंट काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर, एक अपने फेस के लिए रखिए और एक अपने हाथों और पैरों के लिए। आप जब भी अपने मॉइस्चराइजर चूज़ करें उसमें ये चूज़ कीजिए कि आप कभी भी पेट्रोलियम बेस्ड मॉइस्चराइजर ना लें। इससे क्या होता है कि पेट्रोलियम बेस्ड मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट्स तक मॉइस्चराइज करती है, बाद में उसका मॉइस्चराइजर चला जाता है। तो प्लीज़ अवॉइड टेकिंग पेट्रोलियम बेस्ड मॉइस्चराइजर। एंड अगर कभी कभार आपके पास ऐसे मॉइस्चराइजर्स आ जाते हैं जिसमें कि मॉइस्चराइजिंग यानी कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करने की कैपेसिटी कम है, तो कुछ नहीं करना, एक छोटा सा नुस्खा दे रही हूँ आपको। अपने मॉइस्चराइजर बॉटल या अपने मॉइस्चराइजर क्रीम में 1 or 2 ड्रॉप ग्लिसरीन डालिए और उसको अपने बॉडी पे अप्लाई कीजिए। टिप नंबर फोर, सर्दियों में काफ़ी बार ठंडी से बचने के लिए आप गर्म चीज़ें पीते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी। प्लीज़ अवॉइड डूइंग दोज थिंग्स। कभी कभार पीना इज़ ओके, लेकिन दिन में ज़्यादा ये कंज्यूम करने से आपकी स्किन और आपके बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। इससे बेटर है कि आप दिन में काफ़ी बार पानी पिए। ज़्यादा पानी पीने से आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, साथ ही साथ आपके बॉडी के ऑयल्स मेंटेन रहेंगे और उसी के साथ आपके बॉडी को अच्छी गर्मी भी मिलेगी। सो डोंट फॉरगेट, ड्रिंक मोर एंड मोर ऑफ वाटर। साथ में मैं आपसे एक और टिप शेयर करना चाहूँगी, ठंडियों के दिनों में एक बार लुक वार्म वाटर यानी कि थोड़ा हल्का गर्म पानी, उसमें 1 tablespoon ऑफ लेमन डालिए, उसको हिलाइए और पी लीजिए। सर्दियों में ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छा और फ़ायदाकारक रहेगी। टिप नंबर फाइव, रात को जब भी आप सोते हैं तभी आपकी स्किन सबसे ज़्यादा मॉइस्चराइज रहनी चाहिए, जिससे कि आपकी स्किन के जितने भी डेड सेल्स है, डेड स्किन है, वो सब निकल जाएगी। रात को अपने हाथों पे, फेस पे और पैरों पे मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं, नाइट क्रीम्स लगाएं और फिर सो जाएं। सुबह जब आप उठेंगे तभी आपकी स्किन काफ़ी फ्रेश रहेगी और बहुत ही ग्लोइंग दिखेगी। टिप नंबर सिक्स, सर्दियाँ यानी कि ठंडे के मौसम में जब आप अपनी स्किन टच करते हैं तो काफ़ी बार वो रूखी हो जाती है, काफ़ी ड्राई हो जाती है और उसके कारण आपकी जो स्किन के इंटरनल सेल्स है यानी कि डीप सेल्स है वो भी बिगड़ जाते हैं। सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप विंटर्स में भी यानी कि सर्दियों में भी अपनी स्किन को स्क्रब करें, स्पेशली अपने लिप्स को स्क्रब करें। लिप्स को किस तरीके से स्क्रब करते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है लिपस्टिक हैक्स में, प्लीज़ उसको चेक कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टाइमली यानी एवरी 10 days और एवरी 15 days में अपने फेस को और अपने हैंड्स को भी स्क्रब कीजिए, ताकि उसकी स्किन भी बहुत ही हैपनिंग और फ्रेश रहेगी। टिप नंबर सेवन्थ टिप में मैं आपको बताना चाहूँगी कि काफ़ी लोग अवॉइड करते हैं सनस्क्रीन लगाना जब भी वो सुबह धूप में बाहर निकलते हैं। ऑफकोर्स
ठंडिया है लेकिन सुबह तो सूरज आता है, हम सबको बहुत सारी रोशनी देता है, तो उस रोशनी, उनकी धूप, उनकी किरणों से बचना इन विंटर्स इज ऑल्सो नेसेसरी। विंटर्स में भी उनकी धूप से बचना काफ़ी ज़रूरी है आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखने के लिए। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सनस्क्रीन, सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए और देन ओनली गो टू योर वर्क और योर कॉलेज और योर स्कूल। इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अप्लाई सनस्क्रीन ड्यूरिंग योर विंटर। टिप नंबर 8, अब मैं आपसे बात करूँगी हेयर्स के बारे में। काफ़ी लोग क्या है कि एवरी सेकेंड डे, एवरी थर्ड डे हेयर वॉश करते रहते हैं, ये एवरी डे दे डू अ हेयर वॉश, प्लीज अवॉइड डूइंग दैट इन विंटर्स। विंटर्स में आप हर दो दिन के बाद हेयर वॉश कीजिए, अपने हेयर को हाइड्रेट रखिए एंड एक दिन अपने बालों को अच्छे से हेयर ऑयल कीजिए, चंपी कीजिए, अपने बालों को बहुत ही रिलैक्सिंग फील करवाइए ताकि आपके बालों की जितने भी सेल्स है वो बहुत अच्छे से निखर के आ जाए बाहर और आपके हेयर्स काफ़ी हेल्दी रहे और ग्लोइंग रहे। विदाउट डूइंग हेयर ऑयल आप प्लीज़ हेयर वॉश मत कीजिए, साथ ही साथ अपने शैम्पूज को भी चेंज कीजिए। प्लीज़ डोंट यूज़ दो शैम्पू जिससे कि आपके हेयर काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। चेंज योर शैम्पूज फॉर विंटर्स, विंटर ओरिएंटेड शैम्पूज आते हैं, प्लीज़ उसको, उसके साथ अपने हेयर को वॉश कीजिए और अपने हेयर को हेल्दी रखें। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कंडीशनिंग योर हेयर, हेयर को कंडीशनिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपके हेयर्स काफ़ी ग्लॉसी और शाइनी दिखेंगे। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जब भी हेयर ऑयल करें तभी हेयर ऑयल का जो ऑयल है उसको थोड़ा हीट यानी कि गर्म करके अप्लाई करें जिससे कि सर्दियों में आपके बालों को एक अच्छा सुकून मिलेगा, साथ ही साथ आपका फॉरहेड भी ज़्यादा पेन नहीं होगा। टिप नंबर 9th टिप में मैं आपको बताना चाहूँगी, प्लीज़ 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 ईट ऑल द सीजनल फूड। जितने भी फ्रूट्स आते हैं इस विंटर में यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये सभी फ्रूट्स को प्लीज़ खाइए एंड डोंट अवॉइड दैम। ईट फ्रूट्स और इसके साथ आपके बॉडी में, आपके शरीर में काफ़ी गर्मी आएगी जिससे कि आप इस ठंडी से लड़ पाएंगे। विंटर्स में आप प्लीज़ ट्राई ईटिंग मोर एंड मोर ऑफ चमनप्राश, अरद के लड्डू, गुंदर पाक, ये सब चीज़ें होती है जिसको खाने के साथ आपके बॉडी में काफ़ी गर्मी आ जाती है और आप इस सर्दियों यानी कि ठंडी से लड़ पाते हैं। सो प्लीज़ कीप ईटिंग दोज फूड एंड अवॉइड जंक फूड्स इन द विंटर, काफ़ी नुकसानकारक होते हैं, प्लीज़ अवॉइड दैम इन द विंटर। डोंट ईट मच ऑफ द जंक फूड जिससे कि आपकी बॉडी को प्रॉब्लम हो जाए और आपको डॉक्टर को विजिट करना पड़े। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th टिप आपके लिए ये है कि आप अपने बाथरूम में जितने भी सोप है, शैम्पूज है या जितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं टिल नाउ, प्लीज़ चेंज इट, क्योंकि वो सभी प्रोडक्ट है वो अब तक आपके समर या मॉनसून के अकॉर्डिंग थे। प्लीज़ गो एंड टेक योर विंटर प्रोडक्ट्स। विंटर प्रोडक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मिल्क होना चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी को काफ़ी सॉफ्ट, नरमी महसूस हो पाए। सो डोंट फॉरगेट, ये सभी टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका विंटर बहुत ही हैप्पी और हेल्दी रहेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन, आपके हेयर बहुत ही सुंदर दिखेंगे एंड एट द एंड ऑफ द विंटर यू विल हैव अ वंडरफुल स्किन एंड अ वंडरफुल हेयर। अगर आपको मेरे ये सभी नुस्खे पसंद आए हो तो डेफिनेटली मेरे लाइक बटन को लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट्स में शेयर कीजिए आपके खुद के विंटर केयर के टिप्स, यानी जो आप करते हैं या मैंने किसी चीज़ को कवर नहीं किया, प्लीज़ उसको कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे किसी टिप के साथ आप अगर खुश हुए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली हैव अ लाइव कमेंट सेक्शन विथ यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर द फर्स्ट व्यूअर टू माई दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल बटन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ हैप्पी एंड अ वंडरफुल विंटर अहेड। Once again, I would like to thanks to the SGN Photography for making this video the lovely one. Thank you.